शब्द योग के बारे में बताएं। शब्द योग, शब्द जैसे आपको हमने बताया ना, श्वास के ऊपर मंत्र कर ले, ये भी शब्द योग है। श्वास के ऊपर, श्वास श्वास पे मंत्र चढ़ा ले। और आगे, यह है अद्भुत योग जी, जन्म मरण के कष्ट मिटत हैं, काया रहे निरोग जी। ये भी शब्द योग है। और शब्द योग में जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, ओ इस प्रकार का ध्यान भी, ये भी शब्द योग है। शब्द नाद योग बोलते हैं इसको। सिर्फ शब्द से नहीं होता है, शब्द जो हम बोल रहे हैं वो शब्द है। किसी भी शब्द को ले लीजिए, उसको लय में ला देना ही शब्द योग है। क्या है? शब्द योग। ख, ग, अब देखो, ख नाक से जाएगा, ख नाक और मुंह दोनों से जाएगा, ग, घ। तो ये जो शब्द को योग बनाना हो तो उसको हम नाद में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? स्वर नाद भेदस्य ध्यान योगदायकम्। स्वर को, शब्द को स्वर और नाद में ले जा करके उसे हम ध्यान के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी को शब्द योग कहा गया है। और संतों ने शब्द योग नाम दिया है, संतों की वाणी है। राम नाम शब्द योग, अजपा जाप करो। राम नाम शब्द योग, अजपा जाप करो। Ram 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 Ram
ब्रह्म शब्द जी अज पाजा करो अज पाजा करो अज पाजा करो अज पाजा करो विशुद्ध चक्र से शब्द उठाओ विशुद्ध चक्र से शब्द उठाओ विशुद्ध चक्र से शब्द उठाओ विशु चक्र से शब्द उठाओ ब्रह्मेन्द्र धरो आज आज बाजा करो विशुद्ध चक्र से शब्द उठाओ विष्णु चक्र से शब्द उठाओ ब्रह्म रंत्र धरो जाप करो अज पा जाप करो स्वाधिष्ठान शक्ति चढ़े स्वाधिष्ठान शक्ति चढ़े मणिपुर में मंगल मूर्ति मणिपुर में मंगल होय हा मणिपुर में मंगल मंगल मूल के सदा विष्णु जी रहे सदा विष्णु जी रहे अनामत है प्रेम चक्र जी अनामत प्रेम चक्र जी अनामत प्रेम चक्र जी प्रेम चक्र जी भक्ति प्रेम बढ़े
शब्द है, क्या है? और विशुद्ध चक्र ये धरे, ये विशुद्ध चक्र है, यहां से उठा के ब्रह्मरंध्र में धरना। कहां धरना है? जब यहां पहुंचेगा राम नाम तो राम राम ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप, यहां से उठा करके यहां वही शब्द ब्रह्म, वही राम नाम रूपी शब्द ब्रह्म शब्द बनेंगे।